और इनको जरा कम मत समझो तुम, ये बहुत शातिर हैं। अच्छा तुम ये बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो और हमारे बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? Next day. पापा, कल रात को आप मेरा गला क्यों दबा रहे थे? गला? अरे बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा? पापा नहीं, पहले मैंने सोचा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, मगर नहीं, आप आए थे और आपने मेरा गला पकड़ा था। अरे पर बेटा, मैं तुम्हारा गला क्यों दबाऊंगा? अनान्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा। अरे आप लोग मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करते हो? रवनी के क्या हो गया है बच्चों को? पहले सियान कह रहा था कि मैंने उसको वॉशरूम में लॉक कर दिया, अब अनान्या कह रही है कि आपने ऐसा गला दबाना। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कल अनान्या का गला दबाने ही वाला था, लेकिन उसकी अचानक से नींद खुल गई। अगर कल काम हो जाता तो रवनी और उसके परिवार को अच्छा सबक मिल जाता। रमेश, तुम क्यों इस परिवार के पीछे पड़े हो? और इनको जरा कम मत समझो तुम, ये बहुत शातिर हैं। हमें अब कुछ बड़ा वार करना होगा। तुम ठीक कह रही हो, कुछ बड़ा प्लान करते हैं। जाओ देखो। पापा, पापा दरवाजा खोलो, अपनी दरवाजे को बंद किया। पापा, पापा। अब तुम यहीं पे बंद रहो। पापा, पापा। हेलो, हेलो पापा। बेटा सुनाया, तुम्हारी मम्मा ना फोन नहीं उठा रही, उनसे पूछो मार्केट से और क्या लाना है। आप मार्केट में हो? हाँ बेटा, मैं तो पिछले 2 घंटे से मार्केट में ही हूँ, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। लेट है। आज पता है क्या हुआ था? उसके बाद पापा का फोन आ गया। क्या मतलब? जिसने भी को रूम में लॉक किया था वो पापा नहीं थे? हाँ, तो इसका मतलब कि हमारे घर में पापा जैसे दिखने वाला एक और भूत है। और मम्मा जैसा भी। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो, तभी कुछ दिनों से इस घर में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तो अब हम क्या करें? करना क्या है? उन भूतों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और हमें इसके लिए मम्मा पापा की हेल्प ले लेनी चाहिए ना। हाँ जी, हम मम्मा पापा के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ तो चलो फिर उनसे बात करते हैं। पापा, पापा, हमें आपको एक बात बतानी है। हमें पक्का यकीन है कि हमारे घर में भूत है। भूत? हाँ पापा, मैं आपको बताती हूँ। भूत? हमारे घर में भूत है? अरे ये आवाजें कैसी आ रही है? ये आवाजें कैसी आ रही है? रमी, ये सब क्या हो रहा है रमी? ओ, मैंने कहा था ना आपको हमारे घर में भूत है। रुको, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये जो भूत है ना, ये वो रमेश है। रमेश?
हाँ, वो अक्सर मुझे मिलने आता था और कुछ ना कुछ कह के चला जाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पापा, तो आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि जब वो चला जाता था तो उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। और मेरे को भी ऐसा याद आ रहा है कि मेरे साथ ऐसे पायल करती थी। मुझे ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है। पायल? तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ भी करके हमें इन भूतों से पीछा छुड़ाना होगा। मैं बोंटी से बात करता हूँ। वो एक भूत भगाने वाले बाबा को जानता है। हेलो लेटर। मम्मी, ये क्या है? इसके अंदर ये बॉटल है। इसके अंदर एक जादुई गैस है। जैसे ही हम इसका ढक्कन खोलेंगे, इस जादुई गैस की स्मेल से वो दोनों के दोनों भूत इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो हमेशा हमेशा के इस बोतल में कैद हो जाएंगे? हाँ बेटा हाँ। ये भूत भगाने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हम इस बोतल का ढक्कन खोलेंगे, इसकी गैस निकलेगी। और अगर वो दोनों भूत आसपास नहीं होंगे तो इसकी गैस वेस्ट हो जाएगी और इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तो मतलब हमें बहुत सावधानी से इनको यहाँ कैद करना होगा। लेटर। रमेश पायल रमेश पायल, तो आ गई तुम्हें हमारी याद। और पुनीत, कैसे याद आई हमारी? अच्छा तुम ये बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो और हमारे बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। हम तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसी को नहीं। तुम दोनों ये ठीक नहीं कर रहे। ये हमारा घर है। तुम आके ऐसे हमें परेशान नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं और हम करेंगे, और तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। तुम हमें चैलेंज कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। थैंक गॉड हमारा इनसे पीछा छूटा। वो दोनों अब इस बोतल के अंदर कैद हो गए हैं। नहीं किया, हम तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। लोहड़ी पे बर्थडे पार्टी वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस पार्टी में बहुत मजा आया और हम घोड़े पे भी चढ़े थे। वीडियो देखने के लिए